दोस्तों Xiaomi का Redmi पहला ऐसा ब्रांड होगा जो कि अपने आने वाले स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 800 प्रोसेसर का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों हमें ये जानकारी जो कि चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे थर्सडे को ट्वीट के जरिए मिली है और ये सच होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रोसेसर जो कि Redmi Note 9 Pro में दिया जा सकता है। दोस्तों जब MediaTek Dimensity 800 को लॉन्च किया गया था तब कंपनी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि ये प्रोसेसर जो कि 5G को सपोर्ट करेगा, इसके अलावा ये प्रोसेसर जो कि मिड रेंज स्मार्टफोन को ही टारगेट करेगा। इसके अलावा Redmi ने इस प्रोसेसर को लेके किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं की है, तो हमें ज़्यादा जानकारी जो कि 12 मार्च को ही मिल सकती है जब Redmi Note 9 Pro को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आज की तारीख में MediaTek Dimensity सीरीज के एक और प्रोसेसर जो कि MediaTek Dimensity 1000L को कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि Oppo Reno 3 5G स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि MediaTek Dimensity 1000L प्रोसेसर जो कि महंगे वाले मिड रेंज 5G स्मार्टफोन के लिए ही बनाया गया है, तो Redmi Note सीरीज जो कि मिड रेंज सेगमेंट में आता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि MediaTek Dimensity 800 प्रोसेसर का इस्तेमाल Redmi इस प्रोडक्ट में कर सकती है। दोस्तों फिलहाल के लिए ये प्रोसेसर जो कि Redmi Note 9 Pro के चीनी वेरिएंट में लॉन्च होने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसी प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों Redmi Note 9 Pro की इंडिया लॉन्च डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है क्योंकि इंडिया अभी तक 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं किया है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सा प्रोसेसर जो कि Redmi Note 9 Pro में देखने को मिले। दोस्तों अगर पिछले साल की बात किया जाए तो Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro में जो कि Qualcomm और MediaTek प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, तो उम्मीद की जा रही है कि Redmi Note 9 में Snapdragon 720G का इस्तेमाल किया जाए और Redmi Note 9 Pro में जो कि MediaTek Dimensity 800 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 को लेके एक खबर मिली है, जैसे कि इन दोनों स्मार्टफोन जो कि Android 10 पे आधारित MIUI 11 पे रन करेगा, दूसरी तरफ इन दोनों स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। वहीं Redmi Note 9 Pro की प्राइस के बारे में पता चला है, Redmi Note 9 Pro की प्राइस जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में होगी। दोस्तों इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।